नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आर्यन कुमार। आप देख रहे हैं लखीसराय एक्सपोज। अभी मैं लखीसराय जिले के पुरानी बाजार स्थित बालाजी CET/ET एकेडमी में हूं और यहां पर आप तमाम हमारे बीच जो आप देख सकते हैं कि तमाम बच्चे जो है ये सब सारे जो है टीचर्स के योग बच्चे हैं और ये बच्चे जो है भविष्य में आगे कुछ करना चाहते हैं उन्हीं के माध्यम से। और यहाँ पर जो है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा BETT के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु रंजन है हमारे साथ बात करने के लिए कि जिस तरीके से जो है कैबिनेट में बैठक की बात हुई है कि जो भी बच्चे अब पास होंगे वो 3 चरण में परीक्षा देंगे तभी जाकर वो शिक्षक बन पाएंगे, उसी के माध्यम से आज हम बात करने के लिए आए हैं बालाजी एकेडमी में। तो जानने का प्रयास करेंगे, सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ बच्चे जो है काफ़ी भारी मात्रा में यानी कहें तो 90% जो है बच्चे सफल हुए हैं। ये बहुत सबसे बड़ा कामना करते हैं कि बालाजी एकेडमी एक ऐसा लखीसराय में है जो बच्चों को 90% जो है रिजल्ट दिया है। और उन्हीं चर्चाओं को लेकर उन्हीं विषयों को लेकर हम बात करेंगे सुधांशु रंजन से कि किस तरीके से बच्चों को आखिर क्या चीज़ देते हैं, क्या जड़ी बूटी पिलाते हैं, क्या ऐसा मंत्र देते हैं जो बच्चे 90% जो है सफल होते हैं, उन्हीं बातों को हम आप लोग के बीच रखने जा रहे हैं। तो सर सबसे पहले मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए आपका। सबसे पहले लखीसराय एक्सपोज न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मीडिया जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे होते हैं आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है और हर मसले पे आप आवाज़ उठाइए, इसके लिए भी हम शिक्षक होने के नाते आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि आपने जो ये सवाल भी खड़ा किया, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपका जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपने परिणाम के बारे में भी बात किया कि आखिर कौन सी वो मंत्र देते हैं, कौन सी वो जड़ी देते हैं जिससे छात्रों का इतना बेहतर परिणाम हो पाया है। तो मैं यही कहूँगा कि शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं और बहुत ही कम समय में हमने एक टारगेट बैच चलाया। इसके पहले हमारी संस्था पटना में चल रही थी। लखीसराय में आने का मेरा मूल मकसद यही था कि लखीसराय शहर को पटना के जैसे बनाना है। पटना जैसे राजधानी में पहुंचने में लखीसराय के बच्चे, हर बच्चे कैपेबल नहीं हैं, कुछ की स्थिति परिस्थिति वैसी होती है जो कि वहां तक पहुंचने में असक्षम है। लेकिन मेरा यह लक्ष्य था कि कम फी में भी और पैसा किसी का बाधक न बने शिक्षा में। और फिर भी सवाल है, यहां पर देखा जाता है अक्सर कि बहुत से गरीब परिवार के फैमिली बच्चे आते हैं, वो बड़े बड़े शहरों में जाकर एडमिशन या पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आपके मन में कैसे ख्याल आया कि यहाँ पर भी एक जो है ऐसे देखा जाता है कि लखीसराय में CET/ET यानी विद्यार्थी यानी कहें तो बहुत कम मिलता है, सब बड़े बड़े शहर में चल जाते हैं, लेकिन आपके मन में कैसे ख्याल आया कि यहाँ पर जो है CET/ET की तैयारी कराई जाए? कहा गया ना सर कि अमीरों को कहाँ पता कि गरीबों की झोपड़ी क्या होती है। तो मैं एक बिल्कुल ही मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने गरीबी को देखा, आई हैव सीन, मैं उस चीज़ को देखा हूँ सर, बहुत करीबी से देखा हूँ कि पढ़ाने में क्या खर्च होती है और एक माँ बाप का क्या सपना होता है एक बच्चे के पीछे अपना पेट काट कर भी बच्चे के प्रति खर्च करना चाहते हैं। फर्क उन पर पड़ता है जो कभी माँ विधवा होती है लेकिन अपने पेंशन से बच्चों को पढ़ाती है, फर्क उन पर पड़ता है जो माँ बाप, जो पिता रात भर दिन भर पूरे मेहनत करते हैं खेतों में, ना उनका दिन का ठिकाना होता ना रात का, और फिर भी उनसे जो बची हुई रकम होती है वो बच्चे को भेज देते हैं। मैंने उस गरीबी को देखा है। अपने पढ़ने के दौरान हमारी भी बहुत सारी ऐसी परिस्थिति थी जो कि हमने इस चीज़ को फेस किया है और इसी दौरान मैंने यह सोचकर इस कदम को बढ़ाया कि पैसा क्या चीज़ होता है बाधक। शिक्षा में पैसा अगर ना हो तो बेहतर एजुकेशन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम इसी थीम पर आगे बढ़े कि हम पटना जैसे एजुकेशन भी इस शहर में दे और बच्चा काफ़ी आगे निकले, यहाँ से भी शिक्षक अभ्यर्थी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा हुआ है और मैंने उस विश्वास पे खड़ा उतरा है। मात्र 2 महीने के टारगेट बैच नवंबर और दिसंबर की पढ़ाई कराकर करीब 92% छात्रों का मैंने परिणाम देने का काम किया है। सर एक जब देखा जा रहा है कि अभी नीतीश कुमार की कैबिनेट में बैठक हुई है, जिस तरीके से जो है ये CET/ET पर निर्णय लिया गया है कि बच्चे जो है अब 3 चरण में परीक्षा देंगे, तो इसको आप कैसे देखेंगे? आप देखिए सर, लाखों बच्चों का जो है भविष्य अब खतरे में है। कहा गया ना सर कि जब करनी करनी होती है ना तो कथन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इनको वैकेंसी नहीं करना सर, ये तो बस पेच को फंसा दिए हैं और पेच फंसाने का काम किया गया है। क्योंकि आपको मैं अवगत करा दूं कि इससे पहले 2019 में STT की परीक्षा हुई थी,
हाई स्कूल के लिए। और पिछले कई दिनों से आप बयान सुन रहे होंगे माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का कि हम माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती दिसंबर के अंत तक कर लेंगे। अब आपका बयान कहाँ गया? जब 2019 से सीटेट और बीटेट क्वालिफाई स्टूडेंट बैठे हुए हैं, स्टेट क्वालिफाई स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तब तक आपको परीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। मैं बीपीएससी से परीक्षा जो होगी और आयोग का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर कायदे से होता परीक्षा तब, अगर कायदे से परीक्षा होता तब मैं इसका बहुत सम्मान करता और इस नियमावली का मैं भी पूर्ण समर्थन करता, लेकिन इस नियमावली को लाकर बस एक पेच फंसाने का काम किया गया, क्योंकि छात्रों का भविष्य अंधकार में जाए। क्योंकि अगर आपको परीक्षा लेनी थी तो 2019 में मेरिट क्यों लिखे थे? मेरिट का मतलब होता है आप वरीयता सूची में आ चुके हैं, आप अंतिम सूची में आ चुके हैं, अब शिक्षक बनने वाले हैं। एक शिक्षक बनने का जो ढकोसला दिया गया था सरकार के द्वारा, इन छात्रों को गुमराह किया गया था, क्या वह दिन अब दूर नहीं है? अब जो छात्रों ये सोच लिए थे कि हम शिक्षक बन चुके हैं, फिर से आप एक पेच फंसाए कि बीपीएससी एक परीक्षा लेगी और राजकर्मी बनाएंगे। यहां तक भी माना कि मैंने सही है, लेकिन इसमें एक पेच और भी फंसा दिया गया है। इसमें क्या है कि 3 लाख सीटों पर भर्ती होगी। यहां पर अगर 3 लाख सीटों पर भर्ती की बात कर रही है सर, तो 3 लाख में आपको बता दें कि 2.5 लाख कम से कम पहले से नियोजित शिक्षक है। जब 2.5 लाख पहले से नियोजित शिक्षक है, उनको क्या बोला गया कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट होंगे, यानी कि बहाल शिक्षक को बहाल करने का काम किया गया है, ना कि नई भर्ती की बात की गई है। अब बताइए कि भविष्य इसका गुमराह में है शिक्षक अभ्यर्थियों का कि नहीं? अगर ये पहले से 2.5 लाख है स्टूडेंट जो टीचर हो चुके हैं और वही फिर से एग्जाम देंगे बीपीएससी का, वो राजकर्मी बनेंगे, तो बाकी सीटों का आप कहाँ बात कर रहे हैं? और आप ये भी बोल रहे हैं कि 2.5 लाख पहले शुरू करेंगे, यानी उस 50,000 का भी जिक्र पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह पेच फंसाने का काम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि ये सभी होते होते मामला न्यायालय में चला जाएगा, अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और यह मामला जाकर न्यायालय में सुरक्षित हो जाएगा, वैकेंसी होगा ही नहीं। आप तो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इसको कैसे देखते हैं कि आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं वो किस तरीके से तैयारी करें कि इस सब मामले से बचे और अच्छा परफॉर्मेंस कर सके? देखिए, मैं पूरे बिहार का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और साथ ही साथ एक शिक्षक भी हूं, तो मेरा साफ और साफ संदेश यही रहेगा कि नियमावली कुछ आती है पेच फंसाने की या जो भी कुछ आती है, सबसे पहले अभ्यर्थियों को गुमराह नहीं होना है। क्या होती है, फाइनल नियमावली भी लगभग बन के तैयार है, वो आई गई है, तो अब इस पर क्या सरकार निर्णय ले रही है? सबसे पहले छात्रों को तो तैयारी करने की मैं सलाह देता हूं कि आप तैयारी कीजिए, लेकिन सरकार की मंशा पर जो आपने सवाल किया तो उस पर तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं छात्रों के प्रति अन्याय है। अगर लेना एग्जाम है तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम ले लीजिए, लेकिन पहले समायोजित कर दीजिए, सबको नियोजित कर दीजिए। और नियोजित का दायरा, क्योंकि 4 साल से CTET BTET क्वालिफाई स्टेट क्वालिफाई टीचर जो बैठे हुए हैं आस में कि अब मेरी वैकेंसी होगी, अब उनके प्रति एक पेच क्या फंसा गया कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा। महोदय, आप एग्जाम लीजिए ना, बीपीएससी से लीजिए, क्या दिक्कत है, और अच्छे शिक्षक सीख जाएंगे, ये बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन समान हक देकर, ना कि किसी के प्रति अन्याय कर, ये साफ अभ्यर्थियों जो 4 साल से बैठ गए हैं पास करके, उन 4 साल के अभ्यर्थियों के साथ आपने क्या अन्याय किया? जो नियोजित है वो तो अगर जो पास भी कर गए तब तो वाह वाह, वो राजकर्मी बने, और नहीं भी पास किए तो सेवा उनका जारी है। तो कहीं ना कहीं यह अन्याय है और छात्र हित के लिए यह गलत फैसला है सर। अगर मैं मानता हूं कि आप नियमावली को लाते हैं, तो नियमावली को लाने से पहले कम से कम जिस समय 6ठे चरण की समाप्ति आप कर रहे थे या 6ठे चरण की घोषणा किए थे, तो 2-3 साल पहले जिस समय स्टेट लिए थे उसी समय बोल देते कि एक एग्जाम और देना पड़ेगा आपको, तो 4 साल अभ्यर्थी का समय तो नहीं बर्बाद होता। यानी आपका कहना है कि जो संज्ञान लिया गया है कैबिनेट में बैठक के, क्या वो गलत है या उसको वापस लेना चाहिए? देखिए, अनेक मंत्रिपरिषद के द्वारा फैसला है, मैं गलत तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो गलत है वो गलत कहने का हिम्मत रखता हूं। वो अपने हिसाब से शर्म आती है इस बात को कह के सर, कि कौन ऐसा महानुभाव है जो 9th फेल जो हम लोग को ग्रेजुएशन पास वाले का कैडर बनाता है, ये तो सोचने का शर्म वाली बात है सर। अपने खुद 9th फेल होते हैं और वो ग्रेजुएशन पास वाले को कैडर बनाते हैं कि आपको ये प्रक्रिया से गुजरना होगा, आपको ऐसे करना होगा। हम तो कहते हैं कि एक बार वोट मांगने आइए, हम भी पूछेंगे कि आप ग्रेजुएट हैं या नहीं,
तब उनको कैसा लगेगा। हम तो बीपीएससी से बन जाएंगे शिक्षक, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपसे भी एक सवाल करेंगे कि जब भी आइए क्षेत्र में, और सभी से मैं अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब भी आते हैं वैसे नेता तो आप भी कहिए कि जो हमारा कानून को बनाता है वो भी प्रशिक्षण होना चाहिए, उनके पास ही पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स होना चाहिए, आप भी सवाल कीजिए। चलिए, तो आप सुन रहे थे सुधांशु रंजन से कि शिक्षा के बारे में इन्होंने अच्छी बात कही कि ऐसे जरूर पढ़ा लिखा होना चाहिए, जब हमसे योग्यता मांगता है तो आपको भी योग्यता की अच्छे हक होता है कि आप भी योग्यता मांगे, तभी जाकर वो सफल होते हैं। तो इन्हीं तमाम बातों के मुद्दे के साथ हम इनके जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे बारी बारी जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनसे पहले से एक सवाल और मेरा बच गया है, जो कि अभी जो बच्चे सर बैठे हुए हैं घर में, उनको क्या संदेश देंगे जो चाहते हैं कि बेरोजगार बैठे हुए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसको शिक्षक बनना है, वो कैसे बन पाएंगे? देखिए सर, एक देश को चलाने के लिए एक राष्ट्र में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक शिक्षक ही होता है जो आज जो मेरा कानून बनाया है उसको भी कहीं ना कहीं कोई शिक्षक पढ़ाया होगा। तो शिक्षक का सबसे बड़ा रोल होता है, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसपी हो या डीएसपी हो, देश का सर्वोच्च पद पे क्यों नहीं गया हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं गुरु ही पढ़ाया है, इसलिए शिक्षक का सर्वोच्च स्थान माना गया सर। तो एक शिक्षक होने के नाते और एक शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते जो सीटेट भी पास कर गए हैं, अगर आती है नियमावली तो आप भी तैयारी कीजिए और सरकार के फैसले का स्वागत कीजिए। मैं तो यही कहूँगा, बैठने की बात नहीं है और किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं है। एक शिक्षक अभ्यर्थी कभी हताश नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरों के भविष्य का निर्माता होता है। तो शिक्षक अभ्यर्थी तो कभी हताश हो ही नहीं सकते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश भी देना चाहूँगा कि इसमें हताश होने की कोई बात नहीं है, जो भी होगा उसको फेस किया जाएगा, अगर एक आयोग भी गठन होगा। लेकिन अपील मेरा यह रहेगा कि समान अधिकार के तहत हमारे समता का अधिकार, मौलिक अधिकार का हनन ना हो, ये मेरा अपील रहेगा। अगर ऐसा मान लिया जाए कि जो है ये बैठक को वापस नहीं लिया जाएगा, तो आप अपने विद्यार्थियों के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे? विद्यार्थियों के लिए सर, क्या आवाज बनेंगे, क्या उसकी योग्यता देखेंगे, कैसे देखेंगे? जी मैं बताता हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता है, समान अपील करने के लिए सचिवालय में बहुत सारे आवेदन मेरे द्वारा दिए जाएंगे, क्योंकि आवेदन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, वहाँ से पढ़ेंगे और महोदय उस पर अगर संज्ञान लें, उनको समझाने का काम करेंगे कि आप एग्जाम ले सकते हैं लेकिन समान अधिकार होना चाहिए, सबों के लिए समान अधिकार होना चाहिए। अगर नियोजित वाले को इसमें शामिल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो सीटेट बीटेट पास है उसको एक बार आप नियोजित का दर्जा दीजिए, और उसके बाद नियम ऐसा हो कि राज्यकर्मी का दर्जा उसी को मिलेगा जो बीपीएससी पास हो, जो बीपीएससी पास नहीं है वो नियोजित रह जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत हम सर को धन्यवाद देते हैं कि इस तरीके से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल जो है लखीसराय एक्सपोज के जितने भी फैमिली होंगे उनका मन में ये होगा कि कहीं ना कहीं सर से घूस लिए होंगे, इसलिए जो है सर के बढ़ चढ़ कर बोलें। तो यहाँ के तमाम जो है बच्चे हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास कर लेंगे कि आखिर क्या सर पढ़ाते हैं, कैसे तैयारी करवाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके फेस टू फेस कर देते हैं, तो सारी बात जो है खुलासा हो जाएगी कि